मूंगफली में मिट्टी के सभी लाभकारी घटक होते हैं। प्राचीन काल से मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला यह भोजन प्रतिदिन एक नए लाभ की खोज कर रहा है। मूंगफली, जो अपने उच्च यौगिक पूल के साथ हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करती है, सही समय और मात्रा में सेवन करने पर कई शारीरिक समस्याओं के लिए अच्छा है। मूंगफली के सेवन के क्या फायदे और दुष्प्रभाव हैं? कैसे, कब और कितना सेवन करना चाहिए? जिनका सेवन करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, आइए एक साथ जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। मूंगफली के नियमित सेवन के क्या फायदे हैं? मूंगफली स्वस्थ वसा से भरपूर होती है, जो हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करती है। यह विशेष रूप से ओलिक एसिड के लिए एक बहुत अच्छा स्रोत है। मूंगफली में मौजूद ओमेगा 3 और ओलिक एसिड शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं, जबकि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। मूंगफली में मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज और पोटेशियम जैसे कई मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो आपके दिल के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। उसी समय मूंगफली स्वस्थ वसा से भरपूर होती है, जिसमें रक्त शर्करा को संतुलित करने और शरीर द्वारा इसका उपयोग करने के तरीके को नियंत्रित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। शर्करा असंतुलन वाले लोगों में भोजन के बाद सेवन किए गए कार्बोहाइड्रेट से निकलने वाले ग्लूकोज कण शरीर में प्रोटीन पदार्थों के लिए अनुपयुक्त बंधन बनाते हैं। फैटी एसिड ओमेगा -3 और एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों के लिए धन्यवाद। मूंगफली ग्लाइकेशन गठन प्रक्रिया को कम करती है। यह चीनी का धीमा अवशोषण प्रदान करता है और रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि को रोकता है। स्वस्थ पाचन तंत्र के लिए मूंगफली, इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड, पॉलीसैकेराइड्स और आहार फाइबर के साथ ये हाथों के वनस्पतियों की रक्षा करता है और पाचन की सुविधा प्रदान करता है। यह पाचन तंत्र के बेहतर कामकाज का समर्थन करता है। इसमें मौजूद स्वस्थ तेल पाचन तंत्र में लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाकर आंतों के सभी कार्यों का समर्थन करते हैं। वहीं एक मुट्ठी भर मूंगफली को पूरी तरह से पचने में करीब 6-7 घंटे का समय लगता है। इस दौरान यह धीरे धीरे ब्लड टिश्यू को दिया जाता है और आपको भूख लगने से बचाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद गुणवत्ता वाले प्रोटीन के साथ मांसपेशियों के ऊतकों की सुरक्षा प्रदान करके यह बेसल चयापचय दर को बढ़ाता है। उसी समय इसमें मौजूद कैल्शियम और आयरन की उच्च मात्रा ऐसे यौगिक हैं जो स्वस्थ और मजबूत हड्डियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से छाल के नीचे पाया जाने वाला तांबा खनिज दर्द को दूर करने और सूजन को कम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। रोगों के खिलाफ मूंगफली, पिस्ता जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता और पोटेशियम जैसे बहुत उपयोगी खनिज होते हैं, इन यौगिकों से पोषक तत्वों के टूटने से लेकर ऑक्सीजन के परिवहन तक विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है। ये क्षमताएं मूल रूप से प्रतिरक्षा गतिविधियों को सुगम बनाती हैं और हमारे शरीर को मजबूत बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर इसमें नियासिन होता है, जो मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट क्षमता भी होती है। नियासिन एक ऐसा यौगिक है जो मस्तिष्क की बीमारियों को रोकने का काम करता है और इसके उल्लेखनीय स्वास्थ्य लाभ हैं। यह कम सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के स्तर के कारण होने वाले तनाव से भी लड़ता है। उसी समय यह पोषक तत्व एंटीऑक्सीडेंट का एक स्वादिष्ट स्रोत है और कैंसर के लक्षणों से लड़ता है। यह शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया और सर्विस रेडिकल्स को खोजता है, ढूंढता है और बेअसर करता है। इस प्रकार यह डीएनए में क्षति को कम करता है। वहीं
दूसरी ओर बालों के झड़ने और टूटने के खिलाफ सकारात्मक प्रभाव इसमें ओमेगा 3 होता है। यह बालों की संरचना को मजबूत करता है और संचार कार्यों को बढ़ाता है। इसके अलावा यह विटामिन ई प्रदान करता है जो त्वचा के ऊतकों को नमी प्रदान करता है। यह त्वचा के ऊतकों को सूरज से हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है और एक्जिमा जैसे त्वचा रोगों को रोकने में मदद करता है। तो मूंगफली के क्या नुकसान हैं? सबसे पहले मूंगफली, जो गुणवत्ता वाले तेलों और उनमें मौजूद मजबूत यौगिकों के कारण कैलोरी में बहुत कम नहीं है, अगर मात्रा को सही ढंग से समायोजित नहीं किया जाता है तो वजन की समस्या हो सकती है। हालांकि मूंगफली में पौधे के यौगिकों का उपयोग आज दवा में किया जाता है, इसलिए यदि आप नियमित दवा ले रहे हैं तो मूंगफली का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें। वैसे मूंगफली का सेवन अगले दिन तक करना चाहिए। सप्ताह में 2-3 दिन आधी या मुट्ठी भर मूंगफली खाने की सलाह दी जाती है, जो उनकी प्राकृतिक अवस्था के सबसे करीब होती है। इस जानकारी के आलोक में आप मूंगफली को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें।